टोल टैक्सेस, पार्किंग चार्जेस, रिटेल। मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पश्चात तीन वर्ष की अवधि के लिए 10,000 करोड़ के परिव्यय के साथ फेस एफएमई योजना फेस 2019 के वित्तीय चरण की शुरुआत 1 अप्रैल 2019 को की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर प्रोत्साहन की पेशकश करके तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवश्यक चार्जिंग अवसंरचना स्थापित करके इलेक्ट्रिक वाहनों को शीघ्रता से अपनाने का प्रोत्साहन देना है। इस योजना के अंतर्गत केवल उन्नत बैटरी वाले और पंजीकृत ई वाहनों को ही प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिसमें आम आदमी के लिए किफायती और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन का विकल्प मुहैया कराने पर अधिक बल दिया गया है। सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम को यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक रूप से पुनर्संरक्षित करेगी कि वित्तीय रूप से वहनीय मॉडल का प्रयोग करते हुए वांछनीय लंबाई और क्षमता वाला राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड बनाया जा सके, जहां भारत माला परियोजना का प्रथम चरण शीघ्र ही पूरा होने की संभावना है, वहीं वित्तीय चरण में राज्यों को सड़क नेटवर्क विकसित करने में मदद की जाएगी। हमें हमारे अंतरदेशीय जलमार्ग विकसित कराने की आवश्यकता है ताकि सड़क और राजमार्ग से आवाजाही होने वाले अंतरदेशीय कार्गो के बड़े हिस्से को जलमार्ग से भेजा जा सके। सरकार कार्गो परिवहन के लिए नदियों के प्रयोग पर विचार कर रही है, जिससे सड़कों और रेल मार्गों से भीड़ कम करने में भी मदद मिलेगी। गंगा नदी की नौवहन क्षमता बढ़ाने के जलमार्ग विकास परियोजना के भाग के रूप में वाराणसी में एक मल्टी मॉडल टर्मिनल नवम्बर 2018 में शुरू हो गया है तथा साहिबगंज और हल्दिया में ऐसे दो टर्मिनल एट वाराणसी हैज बिकम फंक्शनल तथा फरक्का में एक नेविगेशनल लॉक का कार्य 2019-20 में पूरा हो जाएगा। गंगा नदी पर कार्गो की आवाजाही अगले 4 वर्षों में लगभग 4 गुना बढ़ जाने का अनुमान है। इससे माल और यात्रियों की आवाजाही सस्ती होगी और हमारे आयात बिल में कमी आएगी। अनुमान है कि 2018-2030 के बीच रेल अवसंरचना के लिए 50 लाख करोड़ के निवेश की आवश्यकता होगी। इसे देखते हुए रेलवे का पूंजी परिव्यय प्रति वर्ष 1.5 से 1.6 लाख करोड़ रुपए है। सभी मंजूर परियोजनाएं पूरी करने में कई दशक लग जाएंगे। अतः यह प्रस्ताव किया जाता है कि तीव्र विकास और पटरियां बिछाने, रेलिंग स्टॉक, विनिर्माण और यात्री माल भाड़ा सेवाओं के सुपुर्दगी के लिए सरकारी निजी भागीदारी का इस्तेमाल किया जाए। कनेक्टिविटी अवसंरचना को अगले स्तर पर ले जाने के लिए हम एक देश एक ग्रिड, जिससे सभी राज्यों को किफायती दरों पर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। हमने पहले एक राष्ट्र एक कार्ड की बात की गई थी, अब हमने एक ग्रिड एक देश एक ग्रिड की बात की है। इस सफल बिजली कनेक्टिविटी मॉडल को अपनाएंगे। मैं गैस ग्रिड, जल ग्रिड, हाईवे और क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास के लिए इस वर्ष एक ब्लू प्रिंट लाने का प्रस्ताव करती हूँ। पुराने और अकार्यक्षम संयंत्रों को बंद करने तथा प्राकृतिक गैस की कमी के कारण हम उस स्तर पर इसको हमेशा करते हैं। पुराने और अकार्यक्षम संयंत्रों को बंद करने तथा प्राकृतिक गैस की कमी के कारण गैस संयंत्र की क्षमता के न्यूनतम उपयोग की समस्या के समाधान पर बनी उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों को अब क्रियान्वित किया जाएगा।